मामलों को लेकर प्रदेश सरकार चौकन्ना हो गई है। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बीते सोमवार को सरकार के आदेशानुसार नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और यह कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वहीं सरकार द्वारा आदेश जारी होते ही करनाल जिला व पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी अनावश्यक आवाजाही पर रोक लगाई गई है। वहीं केमिस्ट शॉप, पेट्रोल पंप, एटीएम सभी खुले रहेंगे। कर्फ्यू के पहले दिन लोग ज्यादा जागरूक नजर नहीं आए, लेकिन आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। वहीं नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए आज से करनाल प्रशासन रणनीति बनाना शुरू कर देगा। जिला प्रशासन की इसी को लेकर एक अहम बैठक आज दोपहर को होगी, जिसमें सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं इसी संबंध में विभागीय व प्रशासनिक तौर पर आदेश जारी किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें। लोग बेवजह घर से निकलने से परहेज करें। इस दौरान अखबारों के होकर व अन्य जरूरी सेवाओं में लगे कर्मियों को नहीं रोका जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के आदेश के बाद जिला प्रशासन करनाल ने जितने भी धार्मिक, सामाजिक व वैवाहिक कार्यक्रमों की परमिशन दी थी, उन्हें तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से लोगों ने पहले कोरोना के प्रति जिला प्रशासन का सहयोग किया, फिर से एक बार करनाल वासी जिला प्रशासन का सहयोग करें ताकि बढ़ते कोरोना के मामलों को काबू किया जा सके। बता दें कि अस्पताल में भी जिला प्रशासन की ओर से इमरजेंसी सेवा को दुरुस्त किया गया है। इसमें आपने देखा होगा, आज जो है सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू के ऑर्डर हो गए हैं, जिसके तहत बात यह कि जो लोगों की मूवमेंट है, अनऑथराइज्ड मूवमेंट है, यानी अनावश्यक मूवमेंट है, रात को 9 बजे से 5 बजे तक वो प्रतिबंधित कर दी गई है, रोक लगा दी गई है। और ये रोक आज से ही लागू होगी, यानी 12 तारीख से ही लागू होगी। और इसमें कुछ एग्जेम्पशंस दी गई हैं, स्वाभाविक है कुछ छूट दी गई हैं। इसमें हमारी जितनी भी, एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो ड्यूटियाँ करेंगे, सबसे पहली बात तो इस जो रोक को लोगों को इन्फोर्स कराएंगे, वो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी एग्जेम्प्टेड रहेंगे। अपना आई कार्ड वगैरह दिखा करके वो इसका एग्जेम्प्शन ले सकते हैं। जितनी भी हमारी पुलिस है, आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जो हमारी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज हैं, वो इसमें एग्जेम्प्टेड हैं। हेल्थ केयर पर्सनल जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते हैं, इवन जो रूटीन ड्यूटीज़ करते हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं। जो म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं, जो नगर पालिका के काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम करते हैं, वो फायर का काम करते हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं। जो रिपोर्टर्स हैं, पत्रकार हैं, वो भी इसमें एग्जेम्प्टेड हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले लोग हैं, वो इसमें एग्जेम्प्शन रहेगा उनका। फायर के संबंधित जो इमरजेंसी सर्विसेज में काम करते हैं, उनका एग्जेम्प्शन रहेगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट इसेंशियल गुड्स की, चाहे इसमें मेडिसिन हैं, रसद है, राशन है, उसकी मूवमेंट पर प्रतिबंध नहीं है। यानी अगर मान लो कोई गेहूं का ट्रक लेके जा रहा है, तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, कोई दवाइयों की सामग्री गाड़ी लेके जा रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे अस्पताल स्वाभाविक रूप है 2400 घंटे खुले रहेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। केमिस्ट शॉप्स खुलेंगी, पेट्रोल पंप खुलेंगे, ATMs खुलेंगे, ये सब खुले रहेंगे। प्रेगनेंट वेमेन हैं, अगर उनको कहीं जाना है, या कोई सीरियस पेशेंट हैं, वो खुले रहेंगे। वो जो भी नाका वगैरह लगाया जाएगा, वहाँ पर अपनी मेडिकल स्लिप या डिटेल दिखा सकते हैं। जो लोग एयरपोर्ट से, ISBT से आ रहे हैं, तो वो अपने टिकट्स वगैरह दिखा सकते हैं। उसके टिकट वगैरह दिखाने पे उनको परमिशन अलाउड होगी। तो इन सब एक्टिविटीज़, ये कुछ परमिसेबल एक्टिविटीज़ हैं। धीरे धीरे, स्वाभाविक है, लोगों की और कई जेन्युइन इश्यूज़ आएंगे, तो धीरे धीरे करके हम उनको सॉर्ट करेंगे। इसमें एक कर्फ्यू पासेज इशू करने का भी प्रावधान है, तो उसमें अगर मान लो कोई बहुत ही इमरजेंसी में किसी को मूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो हम एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, जहाँ पर वो आकर के अपना आवेदन दे सकता है, और उसको केस टू केस बेसिस पे वहीं पे कर्फ्यू पासेस की व्यवस्था की जा सकती है। इसका प्रावधान भी हम कल से सेक्रेटरेट में सोचेंगे, इसकी कोई व्यवस्था बनाने का कार्य करेंगे। मैरिजेस में कितनी परेशानी रहेगी, कि मैरिजेस की जो बुकिंग्स हुई हैं, आपसे परमिशंस ली गई हैं, काफी लोगों के फोन आ रहे हैं कि बैंकेट्स में कल से बुकिंग्स हैं। एक तो इसमें जितनी भी परमिशंस डीसी ऑफिस से ली गई हैं, अभी तक उन सबको विड्रॉ इमीडिएट इफेक्ट से किया जा रहा है। अभी जो है डीसी कार्यालय से इसका आदेश निकाल दिया जाएगा,
दूसरा चाहे जो भी शादियां हैं, कोई भी सोशल गैदरिंग है, कल्चरल है, पॉलिटिकल है, सारी बंद रहेंगी। 9 बजे के बाद कोई भी जो है इस तरह की मूवमेंट के लिए लोग बाहर नहीं निकलें, ऐसा जो है सरकार के आदेश हैं। अगर किसी को कोई प्रोग्राम, कल्चरल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग करनी है, शादी करनी, कुछ भी करना है, तो 9 बजे से पहले करें, और वो भी उन शर्तों के तहत करें जो पहले कंडीशंस दी गई थी, यानी इंडोर में 200 से ज्यादा लोग नहीं और आउटडोर में 500 से ज्यादा। पासेस सर जो आप कह रहे हैं वो सिंगल डे के लिए होगा या परमानेंट बनेगा? जो मूवमेंट के पासेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, अगर मान लो किसी को कोई बहुत अर्जेंसी है और उसको किसी को मूव करना है, मान लीजिए कोई आर्म पर्सन है और उसको ज्वाइन करने जाना है, उसको 2 दिन लगेंगे जाने में, तो हम 2 दिन का पास बना के दे देंगे। किसान जो ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में लेके आ रहे हैं उनको हम एग्जेम्प्ट करेंगे इसी शर्त पे कि वो अपना कोविड प्रोटोकॉल्स लागू करेंगे, मास्क वगैरह पहन करके आएंगे। एडवाइजेबल ये है कि वो, क्योंकि हमारी मंडी में खरीद भी 10 बजे बंद हो जाती है रात को, जब हम गेट पास काटते हैं 10 बजे तक काटते हैं, तो एडवाइजेबल है कि उससे पहले पहले हम इसको 10 बजे की टाइम को भी 9 बजे शिफ्ट कर देंगे, तो 9 बजे बाद मंडी में जो है परचेज होगी नहीं, तो किसानों से आग्रह रहेगा कि दिन के समय पे है। सर, व्यापारी का टाइम रिस्ट्रिक्टेड कर दिया आपने, दुकानदारों को क्या एडवाइस करेंगे कब तक दुकानें बंद करते हैं, क्योंकि 9 बजे है, लोग 9 बजे ही दुकान बंद करेंगे, कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो लेट हो जाते हैं, शॉप्स हैं वो हम सर गांव तक जाते हैं, वो हम व्यवस्था बनाएंगे, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में हम 8 बजे का टाइम रख सकते हैं, रखेंगे बाकायदा। इसके लिए हम जो व्यापारी एसोसिएशंस हैं, चाहे उसमें करनाल मार्केट की हों या करनाल शहर की हों या आसपास के कस्बों की हों, उन सबसे बातचीत भी करेंगे, और एक समय जो मुझे अभी लगता है 8 बजे का हम समय प्रेस्क्राइब करेंगे कि 8 बजे तक हमारे दुकान, ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट सब चीज़ें हम बंद कर दें, ताकि 9 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू है इसको पूरी तरह। हाईवे पे आपने कहा मूवमेंट रहेगी, लेकिन हाईवे के जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें रेस्टोरेंट में होटल्स के रूम भी हैं, उनमें क्या कंडीशन रहेगी? होटल्स में अगर किसी की बुकिंग है और कोई रुका हुआ है वो अलाउड है, लेकिन अगर मान लो कोई ट्रैवल करता है रात को, ट्रैवल करके यहाँ पे आता है, वो उचित नहीं है, वो दिन के समय में। 9 बजे का सीटिंग बंद हो जाएगी रेस्टोरेंट की? बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें जो है हम बंद करेंगे। पैनिक ना हो, कई टीमें वगैरह भी गठित की है, जिस तरह पुलिस, हालांकि पहला दिन है आज कर्फ्यू की बात करें तो आज थोड़ा लीनियंट रहेगा सर? आज हमने जो कल स्पेसिफिकली ड्यूटीज, पुलिस की ड्यूटीज तो हमने अभी से चालू कर दी है, चालानिंग वगैरह का और वो सारा कार्य भी हम जो है कल सुबह से चालू करेंगे। कल हमने एक डिटेल डिस्क की मीटिंग बुलाई है ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओज की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो है लोग देर समय तक काम कर सकते हैं या आ जा सकते हैं। कल नाइट कर्फ्यू आज ही से शुरू है, आज ही से। वाइन शॉप्स पे भी लागू रहेगा? बिल्कुल, जो हमारी लिकर शॉप्स हैं अब उन पे भी 9 बजे वाला प्रतिबंध बिल्कुल। कार्रवाई क्या होगी अगर कोई पकड़ा जाता है रात को, लगता है कि गलत तरीके से जा रहा था, नहीं जानबूझ के पालन नहीं कर रहा था, तो क्या कार्रवाई क्या होगी सर? इसमें जो पनिशेबल ऑफेंस कर दिया, बिल्कुल इसमें जो हमारा जो एक तो धारा 188 आईपीसी की और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसमें कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन के दौरान भी जो अनऑथराइज मूवमेंट थे, काफी सैकड़ों के पुलिस केस एफआईआर जो है, अभी जो है लोगों को एफआईआर और वो कोर्ट पेशियां भुगतनी पड़ती हैं, तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा इसमें सरकार बिल्कुल सख्त है, क्योंकि कोरोना के केसेस बहुत बढ़े हैं। आज भी हमने दोपहर में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया था और दोबारा से पुरानी व्यवस्था हम लागू करने जा रहे हैं। कल्पना चावला का जो भी लोड है, पेशेंट लोड, वो सारा शिफ्ट करेंगे सिविल हॉस्पिटल में, चाहे उसमें गायनी ब्रांच हो, उनकी पीडियाट्रिक्स ब्रांच हो, पीड ब्रांच हो, ये सारी की सारी जो है ब्रांचेज हम शिफ्ट करके इसको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएंगे। 250 बेड हमने रिजर्व किए हैं कल्पना चावला में, और हमें अंदेशा है कि शायद ये संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए प्रिकॉशन लिया। एक प्राइवेट ऑफिस ने, जैसा उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि जो उनकी लॉन्ग टर्म सारी छुट्टियाँ थी वो रद्द करके उन सभी पर्सनल को वापस बुला लिया गया है। कुछ इमरजेंसी छुट्टियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैटरनिटी लीव पे है या कोई वो है, जो एज पर रूल प्रेस्क्राइब्ड है वो तो जारी रहेगी, लेकिन और सारी छुट्टियां रद्द कर। लास्ट क्वेश्चन है सर की, क्या लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे की, क्या जो आपने आदेश दिए लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील करेंगे कि थोड़ा, जैसे पहले जो भी कर्फ्यू ऑपरेशन है इस तरह के लगे थे या जो भी लॉकडाउन लगा था, वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि लोगों ने उसको जो है फॉलो किया। अगर ये नाइट कर्फ्यू भी तभी सक्सेसफुल है जब आप लोग सब लोग फॉलो करेंगे, और इसमें दोनों पक्षों की सहयोग चाहिए। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो ढाबा हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और दूसरा वहाँ जाने वाले यानी सिटीजन्स हमारे, तो दोनों तरह के सहयोग चाहिए। इसके लिए हम जो एसोसिएशन हैं हमारी अलग अलग, चाहे वो व्यापारी एसोसिएशन है, चाहे वो ढाबा एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है, सबसे अलग अलग मीटिंगें भी करेंगे कल से, और उनको भी समझाएंगे कि वो समय रहते जो है अपने इंस्टीट्यूशंस को बंद कर। ब्रेकिंग
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक